हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में, और ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से भी पूछ लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम बताइए अंडर डैम्प्ड कंडीशन के लिए, या अनडैम्प्ड कंडीशन के लिए, या क्रिटिकल डैम्प्ड कंडीशन के लिए। या ये इस तरीके से पूछ लेते हैं कि जो हमारा जीटा होता है वो जीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए बताइए, और जीटा इज इक्वल टू वन के लिए बताइए, या जीटा इज इक्वल टू जीरो और वन के लिए बताइए, ऐसे भी पूछ लेता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको देखना होगा कि हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम किस तरीके का होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम कोई भी इनपुट देते हैं RS, जैसे हमने इनपुट दिया, और ये हमारा सिस्टम होता है। ट्रांसफ़र फंक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन या कोई भी सिस्टम होता है वो होता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। और जो फिर हमको आउटपुट मिलता है वो मिलता है CS। हमने यहाँ पे इनपुट दिया RS, हमको आउटपुट मिलेगा CS। अगर हमने इनपुट फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया तो हमको आउटपुट फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिलेगा, और अगर हम टाइम डोमेन में देंगे इनपुट RS है ना ऊपर, और हम अगर हम यहाँ पे RT देंगे यानी कि टाइम डोमेन में इनपुट देंगे तो हमको आउटपुट CT मिलेगा, यानी कि टाइम डोमेन में CT मिलेगा। हम जिस भी डोमेन में इनपुट देते हैं हमें उसी डोमेन में आउटपुट मिलता है। और ओमेगा एन क्या होता है, जो ये हमारा ओमेगा एन है इसको बोलते हैं हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। TS या हमारा जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, इसको ही हम ट्रांसफ़र फंक्शन बोलते हैं। TF मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन, ये होता है हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट। मैंने प्रीवियस जो हमने पहले वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने बताया आपको कि ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट के इक्वल होता है। अगर आप मेरी वे वीडियो को देखने चाहते हो, यूनिट 3 कंट्रोल सिस्टम की कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। जो हमारा CS है ये क्या है, आउटपुट, और ये इनपुट RS। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पुट कर दिया आउटपुट अपॉन इनपुट, ये होता है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन। फिर क्या किया हमने, CS यहाँ पे रह गया और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, TF की मल्टीप्लाई हमने RS में कर दी, या TF की जगह क्या है ये TS है, हम TF भी बोल सकते हैं या TS भी। तो TS की मल्टीप्लाई बोल दो आप, या TF की मल्टीप्लाई हमने RS में कर दी, तो TS इंटू RS आ गया और ये CS यहीं पर रहा। फिर CS इज इक्वल टू जो हमारा TS इंटू RS है, RS तो हमारा ये ऐसी रहा यहाँ पे, और TS की वैल्यू हमने पुट कर दी। जो हमारी TS की वैल्यू होती है, जो हमारा सिस्टम है यही तो है, या ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो ये है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा ये है, एक तो हमारा फॉर्मूला यही होता है फ्रेंड्स, CS अपॉन RS, ये हो गया इसका ट्रांसफ़र फंक्शन का या TS का। और एक जो हमारा ये सिस्टम है तो यही, तो ये इसके इक्वल होता है। तो हमने TS की जगह ये रख दिया, ये तो होते ही है फ्रेंड्स इसके इक्वल। लेकिन हमारा सिस्टम क्या है, सिस्टम ये भी यही है ना, ये और ये एक ही बात है ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, जो ये है हमने यहाँ पे पुट कर दिया। आप अगर आप UP बोर्ड से होगे तो हमने यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई किया जिसको हम बोलते हैं सीधाचार्य का फार्मूला। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो जो हमारे ये है हम इस फार्मूले को यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमें यहाँ से S की वैल्यू को निकालना है, यहाँ से ये जो इक्वेशन है नीचे वाली डिनोमिनेटर की, इसकी वैल्यू को हमको निकालना है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A होता है। बी क्या होगा हमारा, ये जो S की मल्टीप्लाई में है हमारा ये बी हो गया, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी। और फिर बी स्क्वायर, हमने फिर बी स्क्वायर की वैल्यू रखी माइनस 4 इंटू ए, ए क्या होगा जो इसकी मल्टीप्लाई में है, एस स्क्वायर की मल्टीप्लाई में अगर हम 1 मान लें तो ये यही होगा, तो 1, तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू सी क्या है हमारा, ये होता है सी, तो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन 2A, 2 इंटू ए क्या है हमारा 1। तो हमने उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया फ्रेंड्स। अब हम यहाँ से 2 ओमेगा एन कॉमन ले लेंगे, जो ये है हमारा 2 ओमेगा एन, अगर हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो ये जीटा स्क्वायर बच जाएगा इधर, और माइनस अगर फिर हमने यहाँ से लिया 2 ओमेगा एन, यहाँ पे 4 की जगह हमने 2 की पावर 2 कर दिया, तो 2 ओमेगा एन हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओमेगा एन बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से सपोज कीजिए, देख फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या किया, 2 ओमेगा एन कॉमन लिया, तो हमारा ये बच जाएगा जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये जो है ना 2 ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा अपॉन 2, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 2 को कॉमन भी लोगे फिर ये इस कैंसिल हो जाएगा, हमने यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया 2 से, ये नीचे वाले से ऊपर वाले ये कट जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो S1 और S2 इज इक्वल टू, हमें S की वैल्यू चाहिए ना,
तो इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन, हमारी ये वैल्यू आ जाती है क्योंकि माइनस जो भी बचता है हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा जो जो बचा हमने उसको यहाँ पे लिख लिया, ये प्लस माइनस होता है। और एस एस वन क्योंकि एस की वैल्यू दो आती है, एस की वैल्यू हमारी दो आती है। अब हम क्या देखेंगे, जीटा स्क्वायर जीरो पर क्या होगा, तो इसको ही हम बोलते हैं अनडैम्प्ड। ठीक है फ्रेंड्स, रूट्स आर इमेजनरी, हमारे रूट्स इमेजनरी होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जब हम इस इक्वेशन में जीटा इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, हमने यहाँ पे जीटा इज इक्वल टू जीरो पुट किया, ये सारा जीरो हो जाएगा, हमने यहाँ पे जीरो पुट किया तो जीरो माइनस वन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये तो जीरो बच जाएगा और ये ओमेगा एन और ये बच जाएगा, और माइनस वन की वैल्यू क्या होती है, रूट माइनस वन की वैल्यू होती है जे। तो हमने क्या किया, ओमेगा एन तो ये सेम रहा और इसकी जगह क्या आ गया जे, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन बचा ना रूट में, तो यहाँ पे जे आ गया। तो रूट्स आर इमेजनरी, ये इमेजनरी क्यों हो गए, हमारी वो वैल्यू इमेजनरी होती है जिसके साथ जे की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या है हमारी इमेजनरी। और अगर हम इसको ड्रॉ करें ग्राफ पे तो ये हमारी रियल एक्सिस होती है और ये इमेजनरी एक्सिस होती है, तो रूट्स आर इमेजनरी आए हमारे, तो ये इमेजनरी पे बन जाएगा जे ओमेगा एन, एक पॉजिटिव के लिए, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव, एक माइनस जे ओमेगा एन के लिए, ये रियल और ये इमेजनरी, जो ऊपर जाती है इमेजनरी और ये रियल, और इसी को बोलते हैं हम अनडैम्प्ड। आपका कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जीटा इज इक्वल टू जीरो पर बताओ या अनडैम्प्ड पर बताओ हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम को, तो आप कर सकते हो। फिर सेकंड पर होता है यदि आप जीटा इज इक्वल टू वन रखें, तो आप इसी में ही जो आपकी ये आई है ना, इसी में ही जीटा इज इक्वल टू वन रखोगे तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा एन बचेगा, यहाँ पे जीटा इज इक्वल टू वन रखा तो माइनस ओमेगा एन, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देख सकते हो ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे जीटा यहाँ पे जी वन रखा तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, माइनस ओमेगा एन, तो यही हमारा बचा, माइनस ओमेगा एन बचा। लेकिन ये हमारा क्या आ गया, रियल आ गया ना, क्योंकि इसमें जे की मल्टीप्लाई नहीं हो रही कोई भी, तो रियल और एक इमेजनरी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीटा ओमेगा एन, माइनस जीटा ओमेगा एन, माइनस तो यही और ओमेगा एन, बस इसके साथ जीटा भी ऐड किया, क्योंकि ये रियल में होता है, जो हमारा रियल में आता है हम उसमें जीटा की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बात वही होती है, तो हमने यहाँ पे जीटा की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं, हमने रियल एक्सिस ये, इमेजिनरी एक्सिस ये, तो जैसे ये यहाँ पे माइनस है तो हमने इधर किया, अगर ये प्लस होता तो हम इधर करते हैं, यहाँ पे होता ड्रॉ, लेकिन ये माइनस में है तो ये इधर होगा ड्रॉ, इसको ही बोलते हैं हम क्रिटिकल डैम्प्ड। रूट्स आर रियल एंड इमेजनरी, सॉरी फ्रेंड्स, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। अगर हम बात करें जीटा इज इक्वल टू जीरो पर और वन पर, जीरो भी हो और वन पर हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ग्राफ है और ये ग्राफ है इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इस पर इमेजनरी आई थी ना तो हमने यहाँ पे इमेजनरी किया, और इस पर रियल आई थी यहाँ पे हमने रियल किया, रियल पे आई थी ना, और फिर जहाँ जहाँ पे इनके ये पॉइंट आए हमने इसको मिला दिया, बस इतना ही, ये रियल और ये इमेजनरी, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम अंडर डैम्प्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अंडर डैम्प्ड। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स होता है यानी कि मिले हुए होता है, यानी कि जीरो भी होता है इसमें और वन भी होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।